ओके सो व्हाट्सएप वेलकम बैक टू डे जी। दोस्तों आज के इस वाले में हम बात करने वाले, अगर आप लोग भी डिजी लॉकर अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यहाँ पर फिचिंग प्रॉब्लम जरूर आता होगा। वहाँ पर जब भी आप डॉक्यूमेंट कोई अपना नया ऐड करना चाहते होंगे या फिर वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना चाहते होंगे तो वहाँ पर फिचिंग प्रॉब्लम या फिर नो डॉक्यूमेंट इस तरीके से एरर आपको शो करता होगा। तो आज के इस वाले वीडियो में आपको बताने वाले कि ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट फेचिंग की हो, चाहे अपलोडिंग की हो, चाहे डाउनलोड करने की हो, आज की वाली वीडियो देखने के बाद आपकी सारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व होने वाली है। कोई भी डॉक्यूमेंट आप बहुत ही ईजी प्रोसेस से डिजी लॉकर में ऐड कर पाएंगे विदाउट फेचिंग प्रॉब्लम, विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो आज की इस वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लीजिए, डिजी लॉकर से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं छोटे छोटे के बाद, और आपको पूरी चीज़ स्टेप बाय स्टेप लाइव प्रूफ करके दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पर फेचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और कैसे आप भी खुद से अपने डिजी लॉकर अकाउंट का जो डॉक्यूमेंट ऐड वाला प्रॉब्लम है, फेचिंग वाला प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके तो फाइनली गए हम आज के अपने फोन की स्क्रीन पर, और अब चलिए हम आपको बताते हैं डिजी लॉकर प्रॉब्लम्स के बारे में या फिर जो इसका प्रॉब्लम्स है उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो यहाँ पर ये है डिजी लॉकर का एप्लीकेशन, कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस खुल के आता है और ये आपको पता है कि हर टाइम अपडेट होते रहता है। आज की इस वाले वीडियो में हम आपको पूरा यहाँ पर जितना भी इसके बारे में प्रॉब्लम चलता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सारा का सारा सोल्यूशन देने वाले हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट ऐड करने को लेकर हो या फिर अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा हो या फिर आधार नंबर लिंक नहीं हो रहा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, अपडेट करना हो, सारी चीज़ जो डिटेल है आपको इस एक वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अब यहाँ पर एडिंग के बारे में, जो कि यहाँ पर इशू डॉक्यूमेंट आपको दिख रहा है, इसमें यहाँ पर फेचिंग प्रॉब्लम आती है कुछ लोगों को, बगल में आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे। तो आज की इस वाले वीडियो में आपको ये दिखाने वाला है कि फेचिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है। तो फेचिंग प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करने का सबसे पहले जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसका जो नंबर होता है वो आपको अच्छे से मैच करवा लेना होता है, जो उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है वो अच्छे से मैच करवा लेना होता है, फिर आपको जो है यहाँ पर काम करना होता है। जैसे कि मेरा हाई स्कूल का मार्कशीट है, अब मान लीजिए कि मैं इसको दोबारा से अपलोड करने वाला हूँ, यहाँ पर इसको पहले मैं डिलीट करता हूँ, और डिलीट करने के बाद यहाँ पर जो है मैं अब यहाँ पर सर्च पे जाता हूँ और हाई स्कूल की मार्कशीट के बारे में यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि HSC मार्कशीट आ रहा है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर हमको SSC चूज करना है, और यहाँ पर मैं चूज कर लेता हूँ अपना UP बोर्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से चूज करेंगे उत्तर प्रदेश, आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको अपना रोल नंबर दे देना है, तो चलिए मैं दे देता हूँ। सेलेक्ट ईयर में मैं यहाँ पर 2016 चूज करके गेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ, और जैसे आप इतना काम करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ लोग का यहीं पे अटक जाता है जो फेचिंग वाला आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है यहाँ पर। अगर फेचिंग वाला प्रॉब्लम यहाँ पर बार बार आ रहा है आपके साथ, ये तो मेरा सारा डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा डॉक्यूमेंट ऐड हो चुका है, एकदम लास्ट में आ भी चुका है, नीचे में आप देखिए यहाँ पर अभी आपने देखा होगा कि यहाँ पर ये फेचिंग कर रहा था और अभी टिक हुआ है। इसको ओपन करके मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, देखिए हमारा यहाँ पर मार्कशीट ऐड हुआ है, और इसका अभी यहाँ पर नीचे में आपको यहाँ पर अगर मैं ओपन करके दिखाऊँ तो पहले डेट भी मेंशन होता था, बट अभी डेट नहीं मेंशन हो रहा, बट यहाँ पर ये दोबारा से जो है ऐड हुआ है। ठीक है, तो अगर आपका ऐसे बार बार फेचिंग प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि जो आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो वो उस वाले वेबसाइट के साथ लिंक नहीं हुआ हो या कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो, तो आप 1 से 2 घंटे बाद ट्राई करिए सर। ठीक है, सबसे पहला तो तरीका ये। दूसरा तरीका ये है कि आपको क्या करना है, आप क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है, अगर आपका काम नहीं होता है तब उस केस में मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको सर्च करना होगा डिजी लॉकर, और यहाँ पर डिजी लॉकर यहाँ पर लिखने के बाद आपको सर्च करके इसको आगे का प्रोसेस करना है। ठीक है, जैसे आप डिजी लॉकर लिख करेंगे आपको एक वेबसाइट मिलेगी, इसको आपको ओपन करना रहेगा, और ओपन करके आपको यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना होगा। इधर आप देख पा रहे हैं राइट साइड में साइन इन वाला बटन, यहाँ आप साइन इन पे क्लिक करके आप अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर से यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं। चलिए मैं लॉग इन कर लेता हूँ। अब अगर यहाँ पर आपने सिक्योरिटी पिन बनाया होगा तो आपको अब यहाँ पर आपका सिक्योरिटी पिन भी मांगा जाता है, तो यहाँ पर आपको वो डाल के आपको साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप इतना करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपको 2 चीज़ें आ रही हैं, पहला कि यहाँ पर आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन करने के लिए लॉगिन कर सकते हैं या फिर जो जीमेल आईडी है उस पर लिंक OTP आएगा उससे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपका ये वाला मोबाइल नंबर खो गया है, कुछ लोग को जिनको प्रॉब्लम आता है अकाउंट लॉगिन वाला, उनके लिए अब यहाँ पर वो सोल्यूशन हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पर वो लोग क्या कर सकते हैं, अपने आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर का जो OTP उसके जरिए लॉगिन कर सकते हैं। अब आपका आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर भी वही वाला है, सेम वाला, तो आप अपने आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को चेंज करवा लीजिए, ब्रांच में जाइए, बैंक में इसमें चेंज होता है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर, वहाँ पर जाकर अपने आधार कार्ड में ये जो है OTP जो है यहाँ पर लगवा लीजिए, मतलब कि मोबाइल नंबर लगवा लीजिए, और यहाँ पर आधार
ओटीपी के जरिए लॉगिन कर लीजिए और फिर जाके अपना ये नया वाला जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर जो ओटीपी आता है जीमेल आता है इसको चेंज कर लीजिए, आपका अकाउंट लॉगिन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो आपको मतलब आप देखते जाइए इस वीडियो को, आपको ऐसे ही सारी चीज़ें धीरे 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 कवर हो जाएंगी, डिजी लॉकर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम के बारे में बात कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ओटीपी आया हुआ है एक्चुअली, तो मैं इसको देख लेता हूँ और हमारा ओटीपी है 9974 19 9974 19। उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा और ये कुछ इस तरीके से जो ऑप्शन खुल के आ जाएगा। और अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा टोटल 17 डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ऐड हैं जैसा कि मैंने आपको पीछे दिखाया था। तो अब आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट आपको फेचिंग वाला प्रॉब्लम दे रहा हो, बहुत ज़्यादा फेचिंग में आ रहा हो, तो यहाँ व्यू ऑल पे पहले मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये जो मार्कशीट आपको दिख रही है ना, ये वाला, ये अभी मैंने ऐड करा था क्लास 10th वाला, इसको मैं फिर से डिलीट करता हूँ। और यहाँ पर डिलीट करने के बाद अब मैं दोबारा से जो है यहाँ पर, अभी आपने देखा था कि वो 5-8 का ऐड था, ठीक है, डिलीट सक्सेसफुली आ चुका है। अब मैं जो है क्या करता हूँ, इसको दोबारा से यहाँ पर इसको ऐड करूँगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं फिर से आ जाऊँगा नीचे और यहाँ पर सर्च कर लूँगा हाई स्कूल मार्कशीट कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें 3 लाइन पे क्लिक करना है और आपको ऑप्शन दिखेगा सर्च डॉक्यूमेंट का, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करके आएंगे आप, फिर आपको यहाँ पर दिख जाएगा, तो आपको यहाँ पर सर्च कर देना है उत्तर प्रदेश। और जैसे आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे फिर आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा, बट यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश सर्च करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम आ जाएगा। आप यहाँ पर सर्च करिए हाई स्कूल, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्च करिए। यहाँ पर जैसे आप हाई स्कूल सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए क्लास एक्स और यहाँ पर ये मार्कशीट जो है आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं क्लास एक्स वाला मार्कशीट चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको रोल नंबर देने के लिए बोल रहा है और ईयर, जैसे कि आपको पीछे ब्राउजर वाले में, सॉरी एप्लीकेशन वाले में दिख रहा था। चलिए मैं रोल नंबर एंटर करता हूँ। रोल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर ईयर चूज करने के लिए बोल रहा है। रोल नंबर चूज करने के बाद यहाँ पर मुझे ईयर चूज करना है। ईयर चूज कर लेने के बाद यहाँ पर ओके करेंगे और गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर जो आपका रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और अभी के अभी ये तुरंत जो है आपका डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट फेच्ड सक्सेसफुली लिखा हुआ आ चुका है नीचे में ग्रीन कलर का। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करके इसको डिलीट करके दिखाता हूँ तो आपको डेट का मेंशन पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए ये अभी अभी का ऐड हुआ है और यहाँ पर अभी हम इसको डिलीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से जो है आपका फेचिंग वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा और अकाउंट लॉगिन वाला प्रॉब्लम भी मैंने आपको उसका सोल्यूशन बता ही दिया है कि अगर आपको मोबाइल नंबर पर ओटीपी नहीं आता है तो आप यहाँ पर अपने आधार कार्ड के जरिए लॉगिन करिए, आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर, और सेम मोबाइल नंबर है तो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज करवा के फिर से लॉगिन करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ लोग डॉक्यूमेंट यहाँ पर खुद से अपलोड करना चाहते हैं फोटो क्लिक करके, तो वो लोग भी यहाँ पर अपना ड्राइव में आकर काम कर सकते हैं अगर एप्लीकेशन पे काम नहीं कर रहा हो तो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले से 4 डॉक्यूमेंट ऐड है। मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट ऐड करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ प्लस वाले पर क्लिक करूँगा। ये जो आपको प्लस वाला ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको फाइल्स पर क्लिक करना है और जो भी आपने फोटो क्लिक करा हुआ अपने गैलरी से उसको चूज करना है। जैसे कि मान लीजिए मैं ये वाला फोटो चूज करता हूँ और यहाँ पर इसको चूज करने के बाद जस्ट ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली लिख के आ चुका है और अभी 5 डॉक्यूमेंट हो चुके। ओपन करके मैं आपको दिखाता हूं तो आप देख पा रहे हैं कि वही वाला फोटो सेम टू सेम आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो यहां पर आपको 3 चीजों का सलूशन मिल चुका है। और ड्राइव में एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि आप मैक्सिमम 1 GB तक का ही फोटो जो है कलेक्ट कर पाएंगे, 1 GB से ज्यादा आप चीजें यहां पर नहीं रख सकते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब चलिए हम आपको बताते हैं कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में जो कि आपको डिजी लॉकर के ऊपर आता है। जो मेनली प्रॉब्लम होता है उसके बारे में मैं आपको बता दिया, बट और भी जो प्रॉब्लम चलती रहती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। उसके लिए हम आ जाएंगे दोबारा से अपने डिजी लॉकर के एप्लीकेशन पर और यहां पर ये होम पेज और मैं मेनू भी जाता हूं और यहां हेल्प में आपको आकर, आपको मैं दिखा देता हूं एक बार फिर से बैक करके। यहां पर आप हेल्प में आकर जो भी प्रॉब्लम्स इसमें आती रहती हैं उसके बारे में आप जान सकते हैं। यहां पर काफी सारे जो प्रॉब्लम्स है, यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स है वो ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपका जीमेल अकाउंट यहाँ पर ऐड करना है या फिर यहाँ पर आपको नॉमिनी ऐड करना है या फिर आपका आधार नंबर ऑलरेडी लिंक बता रहा है या फिर मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर बता रहा है, जिसके लिए जो गिवन सोल्यूशन है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। बट मान लीजिए कि यहाँ पर आपको सोल्यूशन चाहिए, कस्टमर सपोर्ट से बात करनी है, तो आपको रेज अ क्यूरी पे क्लिक करना है। अब मान लीजिए रेज अ क्यूरी पे आप बोलेंगे कि भाई मैं यहाँ पर कैसे आऊँगा, मेरा तो अकाउंट ही लॉगिन नहीं है। तो अगर आपका अकाउंट नहीं लॉगिन है तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको ये वाला जो लिंक है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर आप किसी भी दूसरे अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं, दूसरे जीमेल आईडी से या फिर जो भी आपका जीमेल आईडी, उस पर तो ओटीपी आएगा ही। अगर लिंक है तो अच्छी बात है, नहीं लिंक है तो आप किसी से भी मैसेज कर सकते हैं और यहाँ पर आपको इस तरीके से डाल के मैसेज करना है तो आपके जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आ जाएगा, उसको डाल के लॉगिन
ओटीपी डालने के बाद जस्ट आपको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे अब आपके सामने आप देख पा रहे हैं एक नया टिकट जनरेट होगा और जो डिजी लॉकर के कस्टमर सपोर्ट को जाएगा और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है देखने को मिलेंगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका डिजी लॉकर में नाम होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर होगा देना होगा, जिससे क्या है आपका डिजी लॉकर का अकाउंट बना होगा। चाहे वो मोबाइल नंबर खो गया हो, चोरी हो गया हो, बंद हो गया हो, उससे मतलब नहीं, बट आपको वही वाला मोबाइल नंबर देना है। अब आपको नीड हेल्प पर क्लिक करना है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपको सामने इतनी सारे जो प्रॉब्लम्स है उसका सोल्यूशन दिया गया है। क्या प्रॉब्लम है, अगर आप साइन इन नहीं कर पा रहे हैं यानी कि लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, अकाउंट नहीं बना पा रहे हैं, यूजर नेम नहीं हो पा रहा है आपका, आधार से रिलेटेड इशू है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है, प्रोफाइल रिलेटेड इशू है, नॉमिनी फेचिंग इशू, देखिए डॉक्यूमेंट फेचिंग का भी यहाँ पर प्रॉब्लम दिखाया गया है, डिलेड डॉक्यूमेंट इशू है, और यहाँ पर जितना भी प्रॉब्लम आपको समझ में आता है वो सारा का सारा यहाँ पर है। दूसरा आप देख पा रहे हैं अनेबल टू फेच डॉक्यूमेंट, ये है, ओटीपी इशू है, पीडीएफ जनरेशन इशू है, सीबीएसई वाले स्टूडेंट का जो रिजल्ट नहीं होता है उनका भी यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है, सारी की सारी चीज़ों का है। तो आपको जो भी आपको यहाँ पर करना है, मान लीजिए कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट वाली प्रॉब्लम आ रही है या फिर आधार रिलेटेड इशू आ रहा है कि आपका आधार नंबर यहाँ पर नहीं लिंक हो रहा है, वो वाला यहाँ पर ऑप्शन चूज करने के बाद आपको सब कैटेगरी में चूज करना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अपडेट अनेबल टू अपडेट आधार या फिर अनेबल टू वेरीफाई आधार या फिर अनेबल टू ऐड आधार, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है वो उस पर क्लिक करना है। उसके बाद सब कैटेगरी टू में करना है, ऑलरेडी रजिस्टर ऐसा वाला प्रॉब्लम आ रहा है आपके पास, तो ये सारी चीज़ आपके डाल को इस तरीके से फिर यहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम लिखना है और उसका स्क्रीन शॉट लेकर आपको यहाँ पर चूज देम पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको अपना सारा चीज़ इस वाले सेक्शन में अपना नाम, मोबाइल नंबर, आधार नंबर सब चीज़ें डालनी है और आपको बताना है कैसा सा प्रॉब्लम आ रहा है और फिर सबमिट करना है, और आपको जो है प्रॉब्लम वो 24 से 48 घंटे के अंदर इस वाले टिकट के जरिए सॉल्व कर दिया जाएगा और आपको डिजी लॉकर का जितना भी प्रॉब्लम होगा उसका सोल्यूशन यहां से मिल जाएगा 100%। शुरुआती के जो तीन तरीके मैंने बताया उसको फॉलो करिए, आपका जो 90% लोगों का जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। आधार ओटीपी के जरिए अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, आधार वाले में नंबर आप चेंज करवा लीजिए। अगर उसके बाद भी आपको फिर भी डाउट आ रहा है, फिर भी प्रॉब्लम आ ही रहा है, तो फिर आप ये वाला प्रॉब्लम तो फिर आप टिकट वाला जो मेथड है ये फॉलो करिए, ये 100% 101% आपका जो है काम करवा के देगा, इसका मैं गारंटी लेता हूँ। तो ये उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है, सारी चीज़ समझा दी है। फिर भी आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा पूछिए तो हमें कमेंट करिए। आज की इस वाली वीडियो को हमें पेंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो।